पराली नूं अग लगाई गई सी। पुलिस का चारों पासे तो घिराव किया गया, पत्थरबाजी की गई, डांगां दे नाल हमला किया गया, यह भी पुलिस ने कहा है। 12 पुलिस मुलाजम गंभीर रूप दे विच जख्मी हुए ने। ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੱਲ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। किसान आंदोलन के दौरान आज प्रदर्शनकारियों द्वारा दाता सिंह खनौरी बॉर्डर पर पुलिस कर्मियों को घेरकर पुलिस नाके के आसपास भारी मात्रा में पराली में मिर्च पाउडर डालकर आग लगा दी गई और पुलिस कर्मियों पर प्रदर्शनकारियों द्वारा भारी पथराव तथा लाठी गंडासे से भी हमला किया गया। इस हमले में लगभग 12 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए हैं और इस जहरीले धुएं के कारण नाके के आसपास के क्षेत्र में पुलिस कर्मियों को सांस लेने में दिक्कत हुई और दिखने में भी भारी परेशानी का सामना हुआ। प्रदर्शनकारियों से ये अपील की जाती है कि वे ऐसा ना करें, क्योंकि जहरीले धुएं से विजिबिलिटी कम हो जाती है और पुलिस कर्मियों द्वारा कानून व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास न केवल बाधित होता है बल्कि ऐसा करने से दोनों पक्षों के लिए जोखिम बढ़ जाता है और किसी भी प्रकार की आकस्मिक दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। हरियाणा पुलिस प्रदर्शनकारियों से ये अपील करती है कि वे कानून व्यवस्था बनाए रखने में हमारा सहयोग करें और शांति बनाए रखें। धन्यवाद। उधर जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहत भी बिगड़ी है और पटियाला के रजिंद्रा हस्पताल दे विच उन्होंने भर्ती कराया गया। एमरजेंसी वार्ड दे विच दस दिए कि भर्ती कराया गया है। बुखार, अखां दे विच जलन और घबराहट होने ते यह भर्ती कराया गया और इलाज दिता गया। तस्वीर सामने आई ने जो हॉस्पिटलाइज सी जगजीत सिंह डल्लेवाल। तो दस दईए कि सारा दिन कल शंभू बॉर्डर से हालात काफ़ी ज़्यादा तनावपूर्ण रहे, मीटिंगा होंदिया रही, उत्थे आग जिहड़े हंझू गैस के गोले ने वो बरसते रहे और इस दे चलते बुखार की शिकायत हुई है और घबराहट नाली अखां दे विच जलन हुई है, जिस तों बाद उन्हां नूं इलाज दिता गया। उधर हरियाणा दे विच इंटरनेट ते पाबंदी वधा दी गई। किसानी अंदोलन करके दस दिए कि पाबंदी वधाई गई है, हुण 23 फरवरी तक इंटरनेट बंद रहेगा। 7 जिलों के दस दिए कि इंटरनेट की सेवा बंद रहेगी। अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद दे विच नैट बंद रहेगा और हिसार, फतेहाबाद, सिरसा दे विच भी यह पाबंदी जिहड़ी है उस तरीके जारी रहेगी। तो दस दईए कि करीब 12-13 फरवरी तो जिहड़ा नैट है, इंटरनेट है, वह बंद होया हुआ हरियाणा का और उस तरीके दे नाल हुण 22 फरवरी अज दिन है और 23 फरवरी तक इंटरनेट बंद नूं लैके जिहड़ी नोटिफिकेशन है जारी कर दी गई है। दस दईए कि इंटरनेट बंद होने मौके दियां जिहड़ा हालात ने वो खराब नहीं होंदे। कानून व्यवस्था के मद्देनज़र सरकार ने फैसला लिया है और उसनों लैके हालांकि दस दईए कि पंजाब के सीएम ने बेहद वार सवाल भी खड़े किए हैं कि आखिरकार इंटरनेट बंद होने सारा कामकार एक बार ठप हो जाता है, खास तौर पर विद्यार्थी जिन्हां दे पेपर ने, जिन्हां दे बोर्ड दे एग्जाम्स ने, उन्हां नूं बेहद ज़्यादा मुश्किलां होंदियां ने क्योंकि ऑनलाइन अजकल सारा कुछ है। तो इस चलते उन्होंने ये इल्जाम लगाए, उन्होंने सवाल खड़े किए कि इंटरनेट क्यों बंद किया गया। तो यह भी जिक्र योग है कि पंजाब के भी 7 जिलों के कुछ को इलाके ने जिथे कि इंटरनेट बंद है और इसको लेकर पहला ही नोटिफिकेशन आ चुकी है पंजाब के। हालांकि वह केंद्रीय गृह मंत्रालय के वलों जोड़ा इंटरनेट बंद किया गया है और उस दे विच कुछ कुछ इलाके ने, खास तौर पर अगर संगरूर की गल करिए, पटियाला जिले की गल करिए, श्री फतेहगढ़ साहिब, मुक्तसर साहिब जोड़े हरियाणा बॉर्डर के नाल लगते हैं, उत्थे जोड़े नैट है वह बंद है और हरियाणा के जेकर जिक्र किया जाए तो ये 7 जिले ने जिथे कि इंटरनेट पर पाबंदी है और 23 फरवरी तक, कल तक दस दिए कि पाबंदी लगाई गई है।